इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। पानी जो समुद्र का है वह एक प्रकार से पीने लायक क्यों नहीं, इसके बारे में पूछा जाता है। सारे सागरों की बात नहीं है, केवल जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ की बात। तो किसी ने कहा ऐसा होगा इसलिए तो ऐसा पानी वह पीने लायक नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, किंतु पीने लायक नहीं सही, लेकिन इतने पवित्र नदियाँ और इतने वह जाकर के मिल जाती हैं तो भी वह इस प्रकार उसका जल देखने लायक भी नहीं रहता, ऐसा क्यों? तो यूं कहने से किसी ने कहा हमें तो ऐसा लगता है वह बेटा बेटा रहता है, नहीं समझे, कुछ काम तो करता नहीं। जो कुछ काम नहीं करता है तो एक प्रकार से वह साफ सुथरा नहीं रह सकता है, और इसीलिए उसमें इतने जल पहुंचने के उपरांत भी वह पवित्र नहीं हो पाता। इसलिए आचार्यों ने एक प्रकार से कहा बहता हुआ जो पानी रहता है वही स्वयं को पवित्र रख पाता है, बाकी कोई भी हो उसमें कितने भी जल मिला हो तो सारा का सारा क्षार ही होता चला जाता है। हमारे यहाँ भावों में भी इसी प्रकार का कथन आता है, भाव आप कितने भी करो तो वह पवित्र नहीं रह पाएगा, किंतु जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया उसके सामने खड़ा कर दो इसको, अपने आप ही वह उस रूप में सोचने लग जाता है। तो बाकी जितने भी बुरे भाव है तो वह परिणामों से कुछ क्षण के लिए तो अवश्य ही सोचने लग जाता है इन्होंने भी हम जैसे ही जन्म लेकर के अपने जीवन यापन किया किंतु ऐसा कौन सा कार्य किया। तो इन्होंने एक प्रकार से समीचीन कार्य करने योग्य जो कहा जाता है उसका ही संपादन किया है, फलस्वरूप इनको यह वैभव उपलब्ध हुआ है। यदि आप अपने आप के जीवन को भी उस नदी के पानी के समान बनाना चाहते हो, वह नदी इसलिए खारा भी नहीं होता केवल हमेशा हमेशा मीठा ही रहता। तो बड़ी बड़ी नदियाँ मीठी मीठी जाकर के मिलने के उपरांत भी सागर में ये दशा हुई है, इसको देख करके अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए सही दिशा में अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे नदियाँ यात्रा करके अपने मंजिल तक पहुँच जाती है। इतना अवश्य है जीवन में वही व्यक्ति एक प्रकार से जो कष्ट सहिष्णु होता है और वह उस कष्ट के सहन करते करते समता को धारण करता है तभी वह एक प्रकार से मोक्ष पदार्थ के अधिकारी हो सकता है। आप भी मोक्ष चाहते हो हैं?
आपको बहुत बड़ा ज्यादा तो पुरुषार्थ नहीं करना है, करना है केवल केवल मोह में ह को छोड़ देना है और मोह को तो रख लो, फिर इसके उपरांत ह के स्थान पर क्षय को जोड़ दो, बस क्या हो गया, मोक्ष हो गया। इतना सरल है अहंकार का प्रतीक ह को छोड़ना और समता का प्रतीक क और स समता मिल जाती है तो मोक्ष हो जाता है। हमारे जो कभी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस प्रकार मोह को छोड़ करके मोक्ष को पाया। मोह क्षयात् कैवल्यम्, मोह का क्षय हो जाता है तो कुछ ही क्षणों में ज्ञानावरी दर्शनावरणी आदि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं घाती और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान नेत्र प्राप्त करने के लिए भी मोह का क्षय, मोह का त्याग, मोह का विसर्जन आपको आवश्यक है। इस प्रकार आप तो धीरे धीरे मोह का त्याग का उपक्रम कर तो रहे हैं, पूरा विचार नहीं हो पा रहा, कुछ बचा बचा करके हो रहा है। दान भी देते हैं, थोड़े से बचाते हैं, कितना बच जाता है ये पता नहीं रहता है। अच्छा बहुत बचाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत भी धीरे धीरे हो जाएगा। वो बहुत दान नहीं किया जाता, उसको तो त्याग किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं समझ करके, तो जब वह त्याग करता है उसके प्रति किसी प्रकार से लवलेश भी मोह या कुछ राग नहीं रहता है, तब उसको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि रास्ता सही, दिशा तो यही है। आज तक हम जोड़ने में लगे, अब छोड़ने के लिए, छोड़ने के सिवाय और कोई मार मचा नहीं, अहिंसा परमो। आज तीसरा दिन है, तीसरा अध्याय का आज आप लोगों ने स्वरूप कहाँ कहाँ पर क्या क्या है कि असंख्यात योजनों में फैली हुई है भूमि आदि आदि के बारे में भी आपने सुन लिया, और यहाँ तक कि एक बाल का भी वहाँ पर प्रमाण बताने का भी आगम में उल्लेख मिलता है। आप लोग यूं ही छोड़ना चाहते हो ऐसा नहीं होता, सीमा रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें एक मनुष्य लोक के बारे में एक सूत्र आता मानुषोत्तर पर्वत के विषय को लेकर के, बस मानुषोत्तर पर्वत को कहाँ पर माना जाए। पुष्करार्धे च कहा कि पुष्कर का जो द्वीप है वह आधा में ही कर्म भूमि है और आधा जो है एक प्रकार से भूभूमि के अंतर्गत चला जाता है, तो उसमें 45 लाख योजन प्रमाण माना है कि मनुष्य लोक को 45 लाख प्रमाण। तो कहाँ तक करते चले जाएं, यूँ करते करते चले जाएंगे तो जहाँ पर पुष्कर द्वीप आएगा वहाँ पर इसकी जो मानसोत्र पर्वत की अवगाहना है, नीचे की गहराई में अवगाहना है, उसके आधे तो उस तरफ चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसका जो मानसोत्र पर्वत का मानसोत्र मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख में कुछ कम होगा, अवगाहना भी चली गई ना, इसलिए एक स्थान पर मिलता है वो मध्य में नहीं बहुमध्य भाग में है। बहुमध्य का अर्थ ये होता है जब कभी भी आप जमीन खरीदते हैं ना तो दीवार किसके ऊपर रहेगी, और उस दीवार का उपयोग उस वाला उस तरफ जो रहता है वो करना चाहेगा तो नहीं कर सकते, ये हमारे में है। इसलिए एक स्थान पर ये लिखा कि बहुमध्य, बहुमध्य का अर्थात पूरा मध्य तक जाएंगे
और बहु इतनी है कि हमारे जो है 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य लोक है, ऐसा आगम उल्लेख है। हम इतने छोड़ नहीं सकते, इसलिए उधर कम हो जाएगा और इधर ज़्यादा हो जाएगा। एक बात, इसीलिए एक स्थान पर जो मनुष्य लोक के विस्तार के लिए मनफरी ज्ञान का विषय बताया, उसमें भी ऐसा कहा है प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या। प्रांग का अर्थ अपने आप में बहुत महत्व होता है, आप हाथ नहीं लगा सकते। प्रांग का अर्थ छोड़ छोड़ विधि में नहीं आता, किंतु वह दूर से ही आप रहिए। तो 45 लाख पूरी की पूरी जमीन को इस ओर लेने के लिए उन्होंने प्रांग उपसर्ग और लगाया, छोड़ करके मानुषोत्तर पर्वत को छोड़ करके यह विस्तार है, ऐसा गिना जाता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि इस जमीन को खरीदने के लिए काफी हुआ पो हो गया होगा। अब इस प्रकार यह आचार्यों ने प्रांग उपसर के माध्यम से वहाँ पर एक अवधि मनफरी ज्ञानी को मांडू ऊपर बिठा दिया जाए, तो उधर उस विषय को वह कर भी नहीं सकता अपने ज्ञान का विषय। इसलिए भी स्पष्ट होता है कि उसको छूना नहीं चाहिए। तो 45 यदि नहीं छूएंगे तो 45 लाख योजन का विस्तार नहीं हो पाएगा। इसकी सिद्धि उन्होंने बहुमध्य भाग से किया है। बाकी तो आप लोगों ने 3 लोक का क्या विस्तार होता है, अधो का कितना होता है, ये तो भौगोलिक विषय है। इसी प्रकार 4th अध्याय में और भौगोलिक विषय जो खगोल संबंधी आने वाला है। आज भूगर्भ संबंधी आ गया, मध्य का भी आ गया, और कल महाराज के मुख से आप लोग सुनेंगे खगोल का क्या विषय होता। भूगोल और खगोल ये 2 शास्त्र हमारे यहाँ 3rd अध्याय और 4th अध्याय के लिए है। इतना पर्याप्त है। आप लोग अपनी जमीन 45 लाख की अच्छे ढंग से रखियो, कोई अतिक्रमण करने ले, अहिंसा परमो धर्म की। जीव का स्वरूप 4 अध्याय में आप लोगों ने समझा था। अजीव तत्व यानी अजीव का क्या स्वरूप होता है, यह भली भांति समझ ली थी। आश्रव तत्व, आश्रव तत्व अपने आप नहीं होता, अकेले में उसका संपादन नहीं होता, और केवल एक साथ रहने मात्र से उसका संपादन नहीं होता, किंतु आज उसी का यहाँ पर स्वरूप 6th अध्याय में आप लोगों ने सुना। ये 6th अध्याय है जो कि गुरु जी कहा करते थे 10 अध्यायों में छठा है ये। हाँ, इसको आप समझ लोगे 10 अध्यायों का मर्म समझ में आ जाएगा। अब यह जीव और अजीव इन दोनों के सम्मिश्रण के बिना 3रा जो स्वरूप आता है आश्रव, वह संभव नहीं है। इसमें कई लोग गाफिल हो सकते हैं और दूसरे को भी गाफिल कर सकते हैं। ये तो बाजार का नियम होता है मिश्रण का, किंतु किसके साथ क्या मिश्रण होता है और कितने अनुपात से होता है और कब तक होता है, ये सारा सारा सिद्धांत। जीवन बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, फिर भी आप बुद्धिजीवी होने के नाते इसको अपने आत्मसात कर सकते हैं। आश्रव क्या वस्तु है? आश्रव का अर्थ सही सही बातों में परिवर्तन होता है। 2 वस्तुओं के मिलन से जो परिवर्तन होता है वह आश्रव कहलाता है। एक जीव के द्वारा भी नहीं होता और एक अजीव के द्वारा भी नहीं होता, किंतु जीव और अजीव उसके सिद्धांत के अनुसार जब परिवर्तन होते इनमें मिल जाना होता है, तो 3रा तत्व आश्रव यानी परिवर्तन हो आना।
इसके लिए हम बताना चाहते हैं, तो केवल श्रद्धान का विषय हो गया हमारा या अध्ययन का विषय हो गया, लेकिन प्रयोग के बिना हमारे समझ में नहीं आता। वैज्ञानिक युग है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक युग चलता है। इतना है कि हम वीतराग विज्ञान के उपासक हैं। अब इसको समझने का प्रयास कर लीजिए। आपके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े प्रयोगशाला होते होंगे, हमारे पास वो प्रयोगशाला की बात नहीं है, नई पाठशाला की बात है। हम तो प्रयोगशाला क्या होता है ये बताना चाहते हैं। जैसे दो तत्व है, एक तो हल्दी है और एक तो दूसरी तरफ चूना है ना। हल्दी का तो रंग आपको ज्ञात है और चूने को बताने कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इन दोनों का मिश्रण हम कर ले, मान लो चूना है वो जीव तत्व है, हैं, और जो हल्दी है अजीव तत्व मान करके चले, और यहाँ आपने उन दोनों का मिश्रण कर दिया। मिश्रण करते ही जादू हो गया। ये क्या हो गया, चूना गायब और हल्दी गायब। हल्दी ने लगे ने फिट करी, रंग चौको आए तो रंग उभर करके आ गया, हल्दी भी चला गई और चूना भी चला गया। दोनों के मिश्र होते ही वहां पर गेरुआ रंग, जिसको पीला आपने लाल कह दो कोई वादा नहीं, ये आ गया। कहाँ चला ये, कहाँ चला ये, नहीं चले नहीं गए। इन दोनों के मिश्रण से क्या होता है तमाशा आपके सामने है। ये प्रत्येक जीवात्मा इसका अनुभव कर रहा है। अब वो ऐसा परिवर्तन हो गया इसको अलग कर ही नहीं सकते। एक एक कण में वह लाल रंग आ चुका है। ये कहां से आ गया, ये दोनों के मिश्रण का परिणाम है। इसमें कोई विवक्षा लगा दे नहीं, ये तो जीव में तो होता नहीं राग। अब यह फिर राग यदि जीव में नहीं होता है तो पुद्गल में आया कहां से राग, अपने आप आने तो फिर अपने आप ही नहीं होता। इसलिए जीव और अजीव इन दोनों विज्ञान के अध्ययन के बिना आश्रम का विज्ञान अब जान नहीं सकोगे। और आश्रम को मिटाने का काम इसके बाद होता है। इसलिए आप ये संक्षेप से इसको यूं समझे, ये परिवर्तन का नाम है। दोनों अपने अपने में हैं, दोनों अपने अपने में हो करके भी दोनों का रंग कब तक वह टिका रह सकता है, यह बंद के ऊपर आश्रय के बाद होता है। अच्छा, ये आश्रय दो प्रकार के माने गए हैं, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। शुभ और अशुभ दोनों मिल करके संसार का संचालन कराते रहते हैं, और संवर और निद्रा दोनों आएंगे, संसार का विनाशक बनेंगे। सामने आपके सामने मोक्ष है। अब ये तीन चार और अध्याय हैं, आपने साहस बहुत अच्छा किया है और पुण्य भी लेकर के आए हैं, ताकि वातावरण भी शांत आपको मिला है। ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़